आज बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो रैली आज आयोजित की गई है, वो रैली बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा सारे देश भर में शुरू की गई है, उसके अंतर्गत शुरू की गई है। जब हमने ये संकल्प घोषित किया था कि इस देश में 6 महीने की परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक परिवर्तन यात्रा चलाई जाएगी, जब हमने ये संकल्प घोषित किया था, उस समय हमें ये जानकारी नहीं थी, हमें परिवर्तन यात्रा चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। तजुर्बा ना होने की वजह से हम लोगों ने तजुर्बा हासिल करने के लिए, अनुभव हासिल करने के लिए हम लोगों ने योजना बनाई और इस योजना के तहत कि पहले हमें अनुभव हासिल करना चाहिए, तो महाराष्ट्र में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमने 24 अप्रैल 2018 से 3 जून 2018 तक 42 दिन की परिवर्तन यात्रा शुरू की। और इस परिवर्तन यात्रा के द्वारा जो अनुभव, जो तजर्बा हासिल हुआ, उस तजर्बे को ध्यान में रखते हुए हमने 6 महीने की परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। 7 अगस्त 2018 से सिवनी मध्य प्रदेश से ये परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है और ये परिवर्तन यात्रा मध्य प्रदेश में अभी भी चल रही है। राजस्थान में ये परिवर्तन यात्रा अभी भी चल रही है। पंजाब में परिवर्तन यात्रा चल रही है। जम्मू कश्मीर में परिवर्तन यात्रा चल रही है और इस महीने के एंड तक 6 जगह से ये परिवर्तन यात्रा सारे देश भर में चलेगी और लगभग 6 महीने तक ये 31 राज्यों के 441 जिलों तक पहुंचेगी। 2018 में 441 जिलों में ये परिवर्तन यात्रा चलेगी। आजाद भारत में ऐसी कोई परिवर्तन यात्रा मजलूम लोगों के द्वारा, पिछड़े लोगों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, घुमंतू लोगों के द्वारा आज तक नहीं निकाली गई है, क्योंकि इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा, देशव्यापी परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए देशव्यापी संगठन की जरूरत होती है। हमारे पास 31 राज्यों में, 539 जिलों में, 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांव में फैला हुआ संगठन है। इस संगठन के आधार पर हम लोगों ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली। ये संगठन यूनिक टाइप का संगठन है। जब हमने महाराष्ट्र में 42 दिन की परिवर्तन यात्रा निकाली तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि इस परिवर्तन यात्रा का सारा खर्चा समाज के लोगों ने उठाया। नाश्ते से लेकर, खाने से लेकर, रात में रुकने से लेकर सारी व्यवस्था समाज के लोगों ने की और 42 दिन में 45 लाख रुपए का निधि लोगों ने दिया और वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि में हमने जमा किया। हमारा संगठन का एक नया पैसा खर्चा नहीं हुआ। ये संगठन इस तरह से हमने सारे देश भर में बनाया है, यूनिक टाइप का,
कि सारा खर्चा लोग ही उठा रहे। यहां ये माइक जिस पर मैं बोल रहा हूं इसके लिए मैंने एक नया पैसा नहीं दिया, मगर आजमगढ़ के लोगों ने 1.5 लाख दे दिया और प्रोफेसर इंद्रजीत ने फिर 10,000 और दे दिया, फिर चौहान परिवार में और बहुत सारा दे दिया, और लोग देने वाले हैं तो मैंने रोक दिया, अभी बाद में दे देना, अभी पहले लोगों को मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। साथियों, हम लोगों की लड़ाई लोगों का साथ लेकर लड़ रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास 10x10 का घर नहीं है, गरीब से गरीब आदमी के पास भी 10x10 का कम से कम कमरा होता है, झोपड़ कम से कम झोपड़ा होता है, मेरे पास तो झोपड़ा भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे अपने सारे समाज के लिए ये जिंदगी और ये लड़ाई लड़ने का संकल्प किया है और इसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा हमने निकाली है तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन शब्द का अर्थ परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। हम परिवर्तन करना चाहते हैं और परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं, कहां करना चाहते हैं, वो आपको पहले बताना होगा कि क्या है देश में, कौन सी परिस्थिति है देश में, उसमें हम बदलाव चाहते हैं, वो बात आपको सबसे पहले जानना होगा। मैं ये बात आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूं, इसे समझना बहुत जरूरी है। साथियों, आज हमारे देश में जिनकी संख्या 3.5% है, सारे देश भर में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 3.5% से ज्यादा नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में 1.5% है, आपके उत्तर प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है, मैं सारे देश का परसेंटेज बता रहा हूं, 3.5% से ज्यादा नहीं है। तो 3.5% ब्राह्मणों का भारत पर राज है, ब्राह्मण राज है, और ये बात हमारे लोगों को पता नहीं है कि ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया है, संविधान होने के बावजूद स्थापित कर दिया है। संविधान होने के बावजूद ऐसा हो नहीं सकता, मगर ऐसा हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि ब्राह्मणों ने संविधान और कानून के विरोध में जाकर ऐसा किया, और कानून और संविधान के विरोध में जाकर ऐसा किया, ये बात जानकारी के तौर पर आपको बताया जाना कि कैसे उन्होंने ये किया, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, आप लोग हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि आज 3.5% ब्राह्मणों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, जिनकी संख्या 3.5% है, उनकी नेशनल लेवल की 5-5 रिकॉग्नाइज पार्टियां है। 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने 1885 को नेशनल कांग्रेस बनाई, और हमारे उस समय के महान नेता ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मणों का संगठन है, हम इसमें शामिल होने वाले नहीं है, रिकॉर्ड करके रखा। तो हमें मालूम हुआ कि ये ब्राह्मणों का संगठन है, और ये बात उन्होंने सही कही थी, क्योंकि आजाद भारत में ब्राह्मणों ने उसी का सहारा लेकर ब्राह्मण राज स्थापित किया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और एक ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करके चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, और उसको अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया। ये बात हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को आज भी जानकारी नहीं है। साथियों, दूसरी पार्टी है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापन करने का काम श्रीपाद अमरू डांगे, जो कोकणस्थ ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, उन्होंने किया। ये दूसरी नेशनल लेवल की पार्टी है। तीसरी नेशनल लेवल की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ईएमएस नंबुद्री पाद, नंबुद्री ब्राह्मण केरला का उन्होंने बनाई, उसका चीफ मिनिस्टर केरला में है, बंगाल में उसका राज था, त्रिपुरा में कल तक राज था। तो ये नेशनल लेवल की तीसरी पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी।
चौथी ब्राह्मणों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसको आरएसएस ने बनाया। आरएसएस ने सबसे पहले जनसंघ बनाया था और जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस ने बनाया था, उसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण, नाम के साथ रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूं। और बाद में इस पार्टी को अटल बिहारी ने, अडवाणी ने जनता पार्टी में विलय किया। जनता पार्टी में विलय करने के बाद विवाद हुआ, वो बाहर आए और 80 में अटल बिहारी अडवाणी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, चौथी नेशनल लेवल की पार्टी। पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ये बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और उसकी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। आज के तारीख में ये पांचवे नंबर की पार्टी है, ये भी ब्राह्मण की है। तो जिनकी संख्या केवल 3.5% भारत में है, उनकी पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां है। हम लोगों की 85% जनसंख्या है, एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने बनाई थी, अब चुनाव आयोग ने नोटिस दिया मायावती को कि आपका वोट परसेंटेज घट गया है, आपका नेशनल स्टेटस पार्टी का रद्द क्यों न किया जाए। शरद पवार को भी इसी तरह की नोटिस दी गई। जो दो पार्टियां नेशनल लेवल की बहुजनों की थी, वो भी रद्द करने का नोटिस इश्यू हुआ है। तो हम मानकर चलते हैं ये आज नहीं तो कल रद्द हो जाएगा, तो इससे सिद्ध होता है कि पांच ही पार्टियां बची रहेगी और वो पांच पार्टियां नेशनल लेवल की अकेले ब्राह्मणों की है। इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, लोकल मीडिया है, किसी मीडिया ने आपको ये खबर नहीं बताई, ये डाटा आप लोगों को नहीं बताया कि पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, जिनकी संख्या 3.5% है। चुनाव करवाने का एक कानून है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि जिस पार्टी को 6% वोट 3 राज्यों में मिलेंगे वो पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी मानी जाएगी। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है, 6% नहीं है। तो ये पार्टी एक भी पार्टी नेशनल लेवल की नहीं हो सकती, मगर पांच पांच नेशनल लेवल की पार्टियां है। कैसे है? कानून और संविधान के विरोध में जाकर इन्होंने ये सारी पार्टियां बनाई और हमारे ऊपर थोपी है। अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए, एक भी चुनाव भारत में ईमानदारी से नहीं होता है। अगर चुनाव ईमानदारी से करवाया जाए तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं चुन सकता। 3.5% वोटों से सरपंच तो बहुत बड़ी बात मैंने कही, पंच नहीं चुन सकता। ग्राम पंचायत का 3.5% वोटों पर एक पंच नहीं चुन सकता, सरपंच क्या बना सकेंगे? जो इस देश में ईमानदारी से चुना हुआ तो सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो ये कानून और संविधान के विरोध में जाकर बना रहे हैं। ये बात साथियों हम लोगों को समझना होगा। 1952 को जब बाबा साहब अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट लड़ने के लिए मिल नहीं रहा था। नेहरू ने काजोलकर नाम का एक शरुल कांस का बंदा ढूंढ के निकाला और उसको टिकट दिया। तो उसने कहा मेरे पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। नेहरू ने कहा चिंता मत करो, चुनाव लड़ने के लिए पैसा भेजता हूं। नेहरू ने बॉम्बे में पैसा भेजा, 25,000 रुपया। उसने टेलीफोन किया नेहरू जी को और कहा नेहरू जी चुनाव आयोग तो 2,000 रुपया खर्चा करने की बात कर रहा है, आपने मुझे 25,000 भेजा तो मैं इसका क्या करूं 23,000 का। तो नेहरू जी ने कहा गधे, अंबेडकर को 2,000 में हरवाओगे? 2,000 में अंबेडकर को हरवाना संभव है? कानून के आधार पर अंबेडकर को हराना संभव नहीं है।
उसको दूसरे तरीके से हरवाया जा सकता है, ईमानदारी से नहीं हरवाया जा सकता। इसलिए कहा कि तुम नहीं खर्चा कर सकते हो, हमारे पार्टी के अकाउंट में जमा कर दो, हम देख लेंगे। चुनाव में 25,000 रुपया खर्चा करवाया गया और बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाया गया। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। जब जीता हुआ कैंडिडेट काजरोड़कर बाबा साहब अंबेडकर को मिलने के लिए गया और कहा कि आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, मैं आपके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था, मगर नेहरू जी ने मुझे टिकट दिया और लड़ने के लिए 25,000 रुपया दिया, तो बाबा साहब कानून के जानकार थे, उनके पास एक और वकील था, खैर मोड़े, तो वो भी हाईकोर्ट का लॉयर था, उसको समझ में आए हैं तो ज्यादा पैसे खर्चा करवा कर जीत कर आया है। तो उन्होंने अपने जीवनी में लिख कर रखा है, बाबा साहब अंबेडकर के जीवनी में खैर मोड़ ने लिख कर रखा कि इन्होंने 25,000 रुपया खर्चा किया। इसका मतलब है नेहरू ने पहले चुनाव से भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव जीता, ये बात इस बात का सबूत है। इसके आधार पर यह बात बोल रहा हूं कि इन लोगों ने कानून और संविधान के विरोध में जाकर आज 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई है, और यही 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है जिनके सहारे पर, जिनके आधार पर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज भारत में स्थापित कर दिया। आप लोग सोचते होंगे कि आप कह रहे हो ब्राह्मण राज ब्राह्मणों ने स्थापित कर दिया, इसका क्या सबूत है? चलो इसका भी सबूत दे देता हूं, मैं इस बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता हूं। जब चुनाव होता है तो चुनाव में क्या होता है, जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बीजेपी चुनाव जीतती है, जब बीजेपी चुनाव हारती है तो कांग्रेस चुनाव जीतती है। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की, बीजेपी पार्टी ब्राह्मणों की। एक ब्राह्मण की पार्टी हारती है तो दूसरी ब्राह्मण की पार्टी सत्ता में आती है। ए नाम का ब्राह्मण जाता है, बी नाम का ब्राह्मण फिर खुर्चे में जाके बैठता है। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण जाएगा, दूसरा ब्राह्मण आएगा, यानी मिश्रा जाएगा तो त्रिवेदी आएगा, त्रिवेदी जाएगा तो पाठक आएगा, त्रिवेदी आएगा तो पाठक जाएगा, पाठक आएगा तो चतुर्वेदी आएगा। तो ब्राह्मण का राज स्थापन हो गया है, हमारे लोगों को पता नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे कहा, मिश्राम जी आप सही बात नहीं बता रहे। मैंने कहा क्या नहीं बता रहा हूं कि 2004 में अटल बिहारी ब्राह्मण थे, चुनाव हार गए तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह ब्राह्मण नहीं थे, आप कैसा कह रहे? मैंने कहा ये बात सही कह रहे हो आप, मगर आपको जो जानकारी नहीं है वो सुन लो। ए मनमोहन सिंह सरदार थे, बात सही है, मगर इसको सही प्रधानमंत्री नहीं था, ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर था। ए मनमोहन सिंह जो था ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर था, ही इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मिन्स, एंड दोज हु नॉमिनेट, ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया, एंड दोज हु नॉमिनेट, ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया, तो जो नॉमिनेट करता है सत्ता उसकी होती है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसकी सत्ता नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, उसको मैंने कहा कि मनमोहन सिंह ने 67 जीओएम बनाए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी, उसमें 63 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमेटी के चेयरमैन अकेले प्रणब मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण थे, और सारे बड़े पॉलिटिकल फैसले प्रणब मुखर्जी ने लिए, और इसका मतलब यह है कि रियल प्राइम मिनिस्टर पर्दे के पीछे प्रणब मुखर्जी थे, और दुनिया को दिखाने के लिए मनमोहन सिंह को ब्राह्मणों ने रखा था। फिर उसने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मण नहीं है। मैंने कहा सुन लो, नरेंद्र मोदी का भी सुन लो, ये नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है,
नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने बनाया, आरएसएस के सारे नेशनल एग्जीक्यूटिव में ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया, ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया, इसलिए ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ये रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा आपको देसी भाषा में बताता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं देहाती आदमी हूं तो देहाती उदाहरण से बताता हूं, और पहले महिलाओं से थोड़ा माफी मांगता हूं क्योंकि उदाहरण देना पड़ेगा, इसलिए गांव देहात में एक आदमी पूछता है, भाई ये कौन है? कहा कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है, ये शादी करके मैंने लाया, ये ऐसी रखा हुआ है, ये कौन है? ये शादीशुदा है, शादी करके लाया, ये ऐसी रखा हुआ है, ये नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों का ऐसे रखा हुआ है। नॉमिनेटेड कह रहा था, किसी के समझ में नहीं आ रहा था, तो देहाती उदाहरण दिया, देहाती ना लोग है हमारे, देहाती उदाहरण एकदम जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है, ये नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों का रखा हुआ है। और सबूत चाहिए? लो सबूत। सबूत नंबर एक, जब ये प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी ने पहला निर्णय लिया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। ओबीसी का आदमी पिछड़े वर्ग का आदमी, खुद ही पिछड़े वर्ग का है और पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसला कर रहा है, पहला फैसला नॉमिनेटेड होने का सबूत। दूसरा सबूत, 314 बच्चे पिछड़े वर्ग के आईएएस और आईआरएस पास हुए, जब नरेंद्र मोदी के पास फाइल गई तो एक भी बच्चे को पोस्टिंग नहीं दिया, फाइल रद्द कर दिया। दूसरा फैसला नरेंद्र मोदी ने, तीसरा फैसला लिया, ओबीसी का जो कमीशन था, पिछड़ा वर्ग कमीशन, रद्द कर दिया था। जब हम लोगों ने हंगामा किया देश भर में तो नरेंद्र मोदी ने फिर दोबारा पार्लियामेंट में कानून बनाकर कहा कि ये अब संवैधानिक दर्जा हमने दिया इसको। तो हमने कहा शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल कास्ट का कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा पहले से दिया हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का कमीशन है उसको भी संवैधानिक दर्जा पहले से दिया हुआ है, जिनको पहले से दिया हुआ है संवैधानिक दर्जा उनको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है, और अगर दो चार कुत्ते पूछ भी ले तो कुत्ते को वोट का अधिकार नहीं होता। मान लो दो चार कुत्ते पूछ ले तो कुत्ता 18 साल तक जीवित नहीं रहता, 18 साल होने के बाद ही वोट का अधिकार मिलता, बहुत कम कुत्ते 18 साल जीवित रहते होंगे, मेरे जानकारी में नहीं है कि कुत्ता 18 साल जीवित रहता है, वो 6-7 साल में ही मर जाता है और 18 साल के बगैर वोट का अधिकार मिलता नहीं है। तो जब एससी एसटी के कमीशन को कोई कुत्ता नहीं पूछता संवैधानिक दर्जा होने के बावजूद भी, तो पिछड़े वर्ग के कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने से वो भी नॉमिनेटेड होगा ब्राह्मणों का, वो भी ऐसे ही रखा हुआ कोई पिछड़ा, कोई पिछड़े वर्ग का आदमी, जब वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को नॉमिनेट कर सकते हैं तो कमीशन का चेयरमैन नॉमिनेट नहीं कर सकते, ये तो सामान्य बात है। ये निर्णय उन्होंने दिया। अभी 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया, नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विकास करने के लिए नया पैसा बजट नहीं दिया, एक नया पैसा नहीं दिया, और नरेंद्र मोदी भाषण करता है विकास 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 विकास, साला इतना विकास पर भाषण करता है, इतना विकास पर भाषण करता है। अभी 15 अगस्त का भाषण किया, पहले घंटा भर बोलता था, अभी 1.5 घंटा बोला, तो विकास पर भाषण, भाषण में विकास हुआ, घंटा भर बोलता था अभी 1.5 घंटा बोला, तो भाषण में विकास हुआ, लोगों का कोई विकास नहीं हुआ, इसके भाषण में विकास हो रहा है, और बैकवर्ड क्लास के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए एक नए पैसे का बजट नहीं दिया। साथियों, ऐसे बहुत सारे फैसले नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में किए,
क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको समझ में नहीं आता है? समझ में नहीं आता इसलिए ऐसा किया, ऐसा कह सकते हैं? गधे से गधे आदमी को चुन लो, वैसे तो गधे से गधा आदमी होता नहीं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ये गधे से गधे आदमी को चुन लो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और कुल्हाड़ी देकर कहो कि तुम यारे हाथ में पकड़ो और बाया पैर इस कुल्हाड़ी से काटो, तो गधे से गधा आदमी क्या कहता है? गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं, गधा हूं मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथ से अपना पैर काट लो, इतना गधा नहीं हूं। तो नरेंद्र मोदी इतना गधा है, अपने ही लोगों के विरोध में फैसले कर रहा है, अपने ही लोगों के विरोध में फैसले तो नहीं कर सकता ना, क्यों कर रहा है? नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। जब ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है तो ब्राह्मणों के आगे और विरोध में जाकर कोई फैसला कर नहीं सकता, इस बात को समझने की जरूरत है। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है। इसका मतलब है भारत में ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है। यदि ब्राह्मण का राज जाता और शूद्रों का राज आता तो हम कह सकते थे देश में डेमोक्रेसी है। अगर ब्राह्मण की पार्टी जाती, शूद्र की पार्टी आती तो हम कह सकते थे देश में डेमोक्रेसी है, देश में लोकतंत्र है, हम ऐसा कह सकते थे। जब मैंने ये भाषण किया तो हमारे कुछ चाहने वाले लोगों ने सुना, क्योंकि मेरा ये जो परिवर्तन यात्रा चलती है तो ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है, ये 38 देश में लोग सुन रहे हैं, यहां से 38 देश में, भारत के सारे राज्यों में सुन रहे हैं। ये सोशल मीडिया चल रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सोशल मीडिया भाई संकेत कितने देश में पड़ रहे हैं, 38 देश में, 38 देश में लोग सुन रहे हैं मेरा भाषण। तो भारत में भी हमारे बहुत सारे दोस्त है, मित्र है, वो सुन रहे हैं। और जब सुनते हैं तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि मेश्राम जी एक बात आपको हमारी माननी हो। तो हमने कहा एक की क्यों कह रहे हो, दो बात मानेंगे भाई, अगर मानने लायक हो तो दो मानेंगे, एक की क्यों मानेंगे? नहीं नहीं, एक बात तो आपको माननी ही होगी। चलो मैंने कहा, कहा तो पहले कहो तो क्या मानना है। कहा कि देश में डेमोक्रेसी है, इस बात को आपको मानना होगा। तो मैंने कहा मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि देश में डेमोक्रेसी है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मगर आप इस देश में डेमोक्रेसी है ऐसा कहते हो तो आपको सबूत देने होंगे, तब जाकर मैं मानूंगा, ऐसे ही मानने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने मुझे कहा हमारे देश में संविधान है, मैंने कहा है, तो संविधान में लिखा है हर 5 साल बाद चुनाव होगा, मैंने कहा यह भी मैंने पढ़ लिया है, आगे बोलो कि हर 5 साल बाद हमारे देश में चुनाव होता है, होता कि नहीं होता, मैंने कहा होता है, तो आप क्या कहना चाहते हो? मैंने उनको कहा आप क्या कहना चाहते हो, आप यह कहना चाहते हो चुनाव माने लोकतंत्र, क्या आप यह कहना चाहते हो चुनाव माने लोकतंत्र? दुनिया में चुनाव माने लोकतंत्र नहीं माना जाता, केवल चुनाव माने लोकतंत्र नहीं माना जाता, कोई सूझबूझ वाला आदमी चुनाव होता है इसलिए देश में लोकतंत्र है इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं है इस बात को समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको यह मालूम नहीं होगा कि दुनिया में जो संस्थाओं का विकास हुआ उस संस्थाओं के विकास में लोकतंत्र भी दुनिया में बहुत बड़ी संस्था है। और यह संस्था का निर्माण कब हुआ? जब राजाशाही का अंत हुआ तब लोकतंत्र का जन्म हुआ। राजाशाही खत्म हुई तो लोकतंत्र का जन्म हुआ। राजाशाही के मृत्यु शैया पर लोकतंत्र खड़ा है। तो आपको बताना चाहता हूं, उनको मैंने कहा कि देश में जो दुनिया में लोकतंत्र आया वो राजतंत्र को खत्म करके आया है। राजतंत्र क्या होता था पता है? राजतंत्र क्या होता था?
मैं आपको भी बताना चाहता हूं, उनको भी मैंने बताया, बहुत समझने की जरूरत है। जब तक राजतंत्र समझ में नहीं आएगा, लोकतंत्र आपको समझ में नहीं आएगा। राजतंत्र में राजा अपने राज्य में हर प्रकार का कानून बनाता था। आपने पुरानी एक फिल्म देखी होगी मुगले आजम, उसमें अकबर कहता है, अकबर के मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज इंसाफ है। बराबर है, जो भी राजा होगा उसके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द कानून है, न्याय है। तो राजाशाही में कानून बनाने का अधिकार राजा के नियंत्रण में होता था, और राजा अपने राज्य में सारे राज्य के लिए कानून बनाता था। तो कानून बनाने का एक अधिकार राजा के पास होता था। दूसरा, जो कानून बनाता था राजा, उस पर अमल करने का काम भी वो खुद ही करवाता था। तो कार्यपालिका का अधिकार, कानून पर अमल करने का अधिकार भी उसके पास ही होता था। तीसरा अधिकार, राजा के राजतंत्र में राजा अपने राज्य का चीफ जस्टिस होता था, मुख्य न्यायाधीश भी वही होता था। और राजाशाही में अगर इतिहास लिखना है, लिखवाना है, खबरें लिखना है, लिखवाना है, तो राजा अपने ही लोगों के द्वारा ये सब करता था। तो दुनिया में ये सबसे महत्वपूर्ण जो काम होते थे, वो सारे महत्वपूर्ण काम अकेले राजा करता करवाता था। लोकतंत्र आया, लोकतंत्र आने के बाद क्या हुआ? राजा का पहला अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया, चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए और एमपी को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस तरह से राजा का अधिकार लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधित्व को मिला, ये चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा, इनको कानून बनाने का अधिकार और कानून पर अमल करने के लिए, अगर हमारे देश के लोकतंत्र का उदाहरण दिया जाए, संविधान का उदाहरण दिया जाए, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन लेती है और उसमें पास हुआ आदमी मेरिट में आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी बनता है और उसके द्वारा कानून पर अमल करवाया जाता है। तो कानून पर अमल करने के लिए अलग लोगों की व्यवस्था लोकतंत्र में की जाती है और उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या ट्रेनिंग दिया जाता है? कि लोकतंत्र कानून का राज होगा, राजा बोले वो कानून नहीं होगा, कानून लिखा हुआ होगा और कानून के अनुसार राज चलेगा। मंत्री अगर आईएएस आईपीएस आईआरएस को आदेश देगा कानून के विरोध में, तो आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी के पास अधिकार होगा कि वो मंत्री की बात को ना माने। ये ट्रेनिंग आईएएस आईपीएस आईआरएस को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र कानून का राज होता है, इसलिए ये अधिकार इन लोगों को दिया गया है। तीसरा अधिकार, न्यायपालिका का। ये न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं होती है जैसे राजाशाही में होती है, ये स्वतंत्र होती है, ऑटोनॉमस होती है। और जो न्याय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ये राज्य और केंद्र सरकार के विरोध में फैसले देती है, दे रही है। आप लोग देखते होंगे न्यायपालिका सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में नहीं, जैसे राजाशाही में राजा के नियंत्रण में होती। चौथा, आर्टिकल 19 के तहत भारत के संविधान के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत मीडिया निर्माण किया गया और इस मीडिया को स्वतंत्र खबरें और स्वतंत्र बातें लिखने का अधिकार दिया गया, वो भी भारत सरकार के अधीन नहीं है। इसका मतलब यह है राजाशाही के अंत होने के बाद जो लोकतंत्र आया वो सत्ता के विभाजन पर खड़ा है। एक सत्ता कानून बनाने की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दी गई, कानून पर अमल करने की सत्ता एग्जामिनेशन देकर जो परीक्षा पास करता उसको दी गई। तीसरी सत्ता न्यायपालिका की, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है उसको दी गई। और खबरें लिखने या इतिहास लिखने की जिम्मेदारी वो भी स्वतंत्र है,
वो किसी सरकार के अधीन नहीं है। इसका मतलब है लोकतंत्र सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर खड़ा है। बहुत लोगों को, हमारे भी लोगों को केवल इतना मालूम है कि चुनाव माने लोकतंत्र। चुनाव माने लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र सत्ता के विभाजन पर खड़ा है और एकाधिकार के विरोध में खड़ा है और रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है। अब इस सिद्धांत के आधार पर भारत में क्या चल रहा है थोड़ा बताता हूं। 2009 में चुनाव हुआ और 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहा हूं और जो आंकड़े बता रहा हूं वेरीफाई कर लेना चुनाव आयोग के पास। नंबर दो, कार्यपालिका, मैं 2016 में शरद जी के घर में गया, वो उस समय राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने मंत्री को सवाल पूछा और शरद जी ने मुझे वो कागज दिखाया। उस कागज में लिखा था 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के होंगे, जो 20% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकारी आईएएस आईपीएस आईआरएस है वो भी पंडित जी का चेहरा देखकर फैसले करते हैं। कि कहीं मेरे फैसले से पंडित जी नाराज तो नहीं हो रहे? तो ये आंकड़े 80% के हैं मगर व्यवहार में 100% है, क्योंकि हमारे अधिकारी स्वतंत्र रूप से कोई फैसले करते नहीं। तो इस तरह से कार्यपालिका उनके नियंत्रण में, विधायिका उनके नियंत्रण में, न्यायपालिका 97%, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के, दीपक मिश्रा भारत के चीफ जस्टिस, चार चार जजेस ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया मगर वो अपने मनमानी तरीके से जो करना चाहता है कर रहा है। तो उनके नियंत्रण में, जुडिशियरी भी उनके नियंत्रण में। मीडिया, दिल्ली में योगेंद्र यादव ने सर्वे किया और सर्वे में उसको पता चला कि 97% पत्रकार ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के हैं। इसका मतलब यह है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आज उनका ही कब्जा है। जो ट्रेडिशनल मीडिया है, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनी अदर महाराज, बचाखुचा महाराज, सारा का सारा उनका ही है। जो चौथा मीडिया है वो है होकल मीडिया, जैसे मैं माइक पर बोल रहा हूं उसी तरह से इस देश में हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 85% लोग इस देश में 7,500 बोली भाषा बोलते हैं। ये सांख्यिकी डिपार्टमेंट का, जनगणना कमिश्नर का आंकड़ा बता रहा हूं। 7,500 बोली हमारे लोग बोलते, बोली जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है, इसलिए शासन में उनकी मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको शासन में मान्यता है। हमारे 7,500 बोलियों को मान्यता नहीं है, इस पर भी उनका ही कब्जा है। इसका मतलब है चारों मीडिया पर उनका कब्जा। लोकतंत्र चार पिलर पर खड़ा है। विधायिका पर 2014 में 411 सीटें, उनका ही कब्जा। मीडिया में, कार्यपालिका में 80%, व्यवहार में 100% उनका कब्जा। न्यायपालिका में 97% उनका कब्जा और मीडिया में सारा कब्जा। तो इस तरह से साथियों, आज लोकतंत्र के चार पिलर हैं, चारों पिलर पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति का कब्जा है। इससे सिद्ध होता है अगर ऐसा है तो देश में लोकतंत्र कहां है? कहां है लोकतंत्र? ये तो ब्राह्मण तंत्र हो गया। जो लोग कहते हैं कि देश में लोकतंत्र है, मैं कहता हूं अरे ये तो ब्राह्मणों का एकाधिकार है। राजाशाही में राजा का एकाधिकार होता था, लोकतंत्र में ब्राह्मण का एकाधिकार हो गया है। कहां है लोकतंत्र? हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण राज भी स्थापित कर लिया और ब्राह्मणों ने
देश के लोकतंत्र को खत्म करके ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया। और इसका परिणाम, अगर आप पुलिस चौकी में एफआईआर नोंद करने के लिए जाओ तो एफआईआर नोंद नहीं होता। अगर कोई घटना घटित हो और अगर आप एफआईआर नोंद करने के लिए जाते हो तो पुलिस चौकी में एफआईआर नोंद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि जनता का संवैधानिक अधिकार है, एफआईआर नोंद करो। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर नोंद करने का आदेश देना पड़ता हो, उस देश में लॉ एंड ऑर्डर कहां है? क्यों नहीं है लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि देश में प्रचार के लिए संविधान है, अमल के लिए मनुस्मृति है। प्रचार के लिए संविधान का नाम लिया जाता है, मगर अमल में मनुस्मृति लागू है। ये बात ये सारे उदाहरणों से सिद्ध होती है। ऐसे परिस्थिति में बदलाव कैसे किया जाए, यह है हमारे सामने चुनौती, यह है परिस्थिति। क्योंकि जब तक आपको परिस्थिति नहीं बताई जाए, तब तक परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए साथियों, ये परिवर्तन यात्रा हमने निकाली, और ये जो परिवर्तन यात्रा हमने निकाली है, ये परिवर्तन यात्रा इस व्यवस्था में, इस तंत्र में परिवर्तन लाने के लिए निर्माण की है। ये परिवर्तन यात्रा इसीलिए चलाई जा रही है। अब इसको परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आज शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नॉमेडिक ट्राइब के ऊपर, घुमंतु के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एमबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी में मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत पर अत्याचार हो रहा है। लिंगायत 7 करोड़ लोग है और अलग धर्म के लोग है, वो कहते हैं हमारा धर्म अलग है, मगर ब्राह्मण कहते नहीं 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 तुम हिंदू ही हो। वो कहते अरे नहीं है भाई, मगर फिर नहीं हम हिंदू ही है, आप हिंदू ही है, जबरदस्ती। और इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे के सारे लोग इस अन्याय के विरोध में लड़ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग अन्याय के विरोध में लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, और अन्याय के विरोध में लड़ रहे हैं। लड़ने के बावजूद इनकी संख्या 85% है, सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं, और किसके विरोध में लड़ रहे हैं, 3.5% ब्राह्मणों के विरोध में लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे लोग 85% है, 85% लोग लड़ रहे हैं, मगर 85% के सारे लोग विफल है, कामयाब नहीं है। क्यों कामयाब नहीं है? 3.5% कामयाब है, 85% फेल है। क्यों है रहे? क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, नॉमेडिक ट्राइब के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, एमबीसी के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमान अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, जैन बुद्धिस्ट अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, लिंगायत अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, सरना धर्मी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, गोंडी धर्मी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे के सारे अलग 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 लड़ रहे हैं। इसलिए इनकी पिटाई हो रही है। इनकी पिटाई क्यों हो रही है? ये लोग अलग 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 लड़ रहे हैं, इसलिए इनकी पिटाई हो रही है। अगर अलग अलग लड़ने से इनकी पिटाई हो रही है, 3.5% ब्राह्मण इनकी पिटाई कर रहा है, 3.5% 85% की पिटाई कर नहीं सकता, कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्राह्मण केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है। 14 अगस्त 1947 तक भारत में अंग्रेज शासक वर्ग था, 15 अगस्त 1947 से भारत में ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है। चुनाव होता है, सत्ताधारी पार्टी में परिवर्तन होता है, मगर शासक वर्ग ब्राह्मण में परिवर्तन नहीं होता है।
ए नाम का ब्राह्मण जाता है तो बी नाम का ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण राज परमानेंट कायम हो गया है और लोकतंत्र और संविधान होने के बावजूद भी हो गया है। ब्राह्मण शासक वर्ग है, उसके नियंत्रण में मिलिट्री है, उसके नियंत्रण में पैरा मिलिट्री है, उसके नियंत्रण में बीएसएफ है, आईएसआरपी है, सीआरपी है, पुलिस है, उनकी मदद से हमारी पिटाई करता है। ब्राह्मण सामने आकर पिटाई नहीं करता है, इनकी मदद से हमारी पिटाई करता है, अन्यथा 3.5% ब्राह्मण हमारी पिटाई नहीं कर सकते, मगर पुलिस उनके नियंत्रण में है, पुलिस के नियंत्रण से वो हमारी पिटाई कर रहा है, करवा रहा है। अब ये जो पिटाई कर रहा है, करवा रहा है, तो हम अलग 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 लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी पिटाई करवा रहा है। यदि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये सारे लोग इकट्ठा हो जाए, अगर इकट्ठा हो गए तो ये लोग इकट्ठा होने के बाद ये लोग ब्राह्मणों की पिटाई करने लायक हो सकते हैं। अगर ये सारे इकट्ठा हो जाए, 85% इकट्ठा हो जाए, तो इकट्ठा होने के बाद ये लोग ब्राह्मणों की पिटाई करने लायक हो सकते हैं। मगर हमें इसलिए इकट्ठा नहीं होना है कि हमें इन लोगों की पिटाई करना है, क्योंकि यदि हम लोग आज कह रहे हैं ब्राह्मण जालिम है क्योंकि वो हमारी पिटाई कर रहा है, कल हम इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होकर उनकी पिटाई करेंगे तो कल ब्राह्मण हमको कहेगा ये लोग जालिम लोग हैं। इसलिए हमें इकट्ठा जरूर होना है, मगर किसी पर अत्याचार करने के लिए इकट्ठा नहीं होना है। तो दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए और संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें इकट्ठा होना है। ऐसा इकट्ठा होकर हमें ये चतुसूत्री का, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना है, इसके लिए इकट्ठा होना है। इसके लिए इकट्ठा करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। ये परिवर्तन यात्रा में जो छोटे छोटे संगठन हैं, जो माइक्रो संगठन हैं, जो मध्यम दर्जे के संगठन हैं, जो बड़े संगठन हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हो, सभी संगठनाओं के लोगों से बातचीत करो, समझाओ, तुम लड़ रहे हो मगर कामयाब नहीं है, मिलजुल कर लड़ना होगा। मिलजुल कर लड़ने से हम कामयाब हो सकते हैं, ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।